नमस्कार दोस्तों, मत कोई मेरे साथ किसी बात पे। कुछ डीपीएड और एमपीएड के छात्र हैं जो कल इंट्रेंस एग्जाम दिए हैं 31 अगस्त 2020। मैं उनका व्यू आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो अभिषेक जी बताइए, कल का पेपर कैसा रहा? सर, पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था जो हमारे लेवल से था, प्रयास हम लोग को जितना उतना। आप बताइए कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत हार्ड था, लेकिन हम लोग जितना पढ़े तो उतना आया नहीं था, मतलब ऐसा पेपर बनाना ही नहीं चाहिए था। आप खिलाड़ी तो सर आप बताइए, आप एमपीएड का एग्जाम दिए हैं तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पेपर को लेकर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टैंडर्ड होता है, चाहे सुबह के सेशन का बीपीएड का पेपर रहा हो या इवनिंग का एमपीएड का एंट्रेंस टेस्ट रहा हो, जो कि सुबह का जो सेशन था बीपीएड वालों का तो आउट ऑफ सिलेबस था। हालांकि स्पोर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे फिजिकल एजुकेशन से होने चाहिए, उसमें रेशियो होना चाहिए 60-40 का, 70-30 का, जो भी होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं रहा, उनको आउट ऑफ सिलेबस दिया था। वही सेम चीज़ एमपीएड में रहा, जो कि एमपीएड तो सिलेबस था लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत। धन्यवाद। आप बताएंगे सर कैसा रहा पेपर? सर बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि मैं जब एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ 2 साल से, लेकिन मेरे मतलब आपके भी लेवल से हाई था। मेरे लेवल से भी बहुत हाई था, क्योंकि एसएससी सीजीएल से भी टफ पेपर थी ये, क्योंकि 80 क्वेश्चन एंशिएंट। आप बताइए कैसा रहा आपका पेपर एमपीएड का? जैसा कि मैं बीपीएड कर रहा हूँ, और मैंने ऐसा कहा जाता है कि अगर बीएचयू का आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का 10 ईयर का आप देख लेंगे तो उसमें से क्वेश्चन, लेकिन मैंने 10 ईयर का प्रीवियस पेपर प्रिपरेशन किया, उसमें से सिंगल 5 या 10 क्वेश्चन फंसे थे, बाकी आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन हम लोग के आईक्यू लेवल से बहुत ही ज़्यादा था। कुछ छात्राएं भी हमारे साथ है, उनका व्यू लेना चाहते हैं, देखिए वो लोग क्या कहती है। आप बताइए कैसा रहा आपका पेपर? बहुत घटिया पेपर बनाया गया था, ऊपर से इतना ज़्यादा अजीब पेपर था कि समझ भी नहीं आ रहा था किसका क्या आंसर। अच्छा, तो आपके लेवल से ऊपर था बहुत। आप बताइए कैसा रहा आपका पेपर? जिस हिसाब से हम लोगों ने प्रिपरेशन किया था, उस हिसाब से तो पेपर काफ़ी हाई लेवल का था। आप कितने घंटे पढ़ती थी आप इंट्रेंस के लिए? मैंने जिस हिसाब से मेहनत किया था, मुझे लगा था कि मैं टॉप 55 भी तो रहूँगी, लेकिन अब तो मुझे लगता है शायद चांस आप दूसरा घर देखना लगे। आप बताइए। और मेरा क्या है कि मैं भी बहुत तैयारी की थी, पूरा 10 साल का मैंने क्वेश्चन पूरे तैयार कर लिए थे, उसके बावजूद भी पेपर में 4 क्वेश्चन में 4 बार 5 बार पढ़ रही हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो पेपर बना तो बना कहाँ से, कैसा पेपर उन लोगों ने कैसा पेपर बनाया, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। और तो देखिए दोस्तों, ऐसा रहा सभी परीक्षार्थियों का हाल, क्या बताया जाए कि ये कहाँ से बन के आ गया पेपर, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग खिलाड़ी लोग बताइए क्या करें। मैं खुद बीपीएड का एंट्रेंस दिया, मैं पिछले 6-7 साल से सीजीएल और अन्य कितनी प्रतियोगी परीक्षाएँ दिया, और पिछले साल मैंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का दिया था पेपर, उसमें मैं ओबीसी में 2nd रैंक था, फिर भी मुझे इतना टफ लगा बीएचयू एंट्रेंस का एग्ज़ाम, तो अब क्या बताया। स्पोर्ट्समैन के तो मतलब कि बियॉन्ड द लिमिट कह सकते हैं। धन्यवाद।